लाहौर आंगमल चौक हजरत सैयद मासूम शाह सरकार का 3 रोजा उस अकीदत अहतराम से मनाया गया। उसकी तकरीबात का अहतमाम हमेशा की तरह हादम दरबार शहजाद बाबर की तरफ से जोशो खरोश से किया गया। चादर पोशी की तकरीब में चेयरमैन शालम मार्केट ख्वाजा अमर सदर रेडीमेड गारमेंट्स रंगमैल उमर जावेद भट्ट तलाल भट्ट रफीक भट्ट गुल्लू भट्ट राणा मुजाहिद मलक सलीम अकमल भट्ट फरख इकबाल वसीम यावर भट्ट सुची भट्ट सुदागर भट्ट आतफ असलम और दीगर ने शिरकत की। उसके मौका पर महफिल नाद महफिल समा का भी अहतमाम किया गया जिसमें अहल इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ढोल की ताप पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। उसका मौका पर लाइव न्यूज से बात करते हुए शहजाद बाबर ने कहा, हजरत सैयद मासूम शाह के उसके मौके पर 3 दिन हाजिरीन के लिए वसी लंगर का इस्तेमाल किया गया। शहजादा बाबर की जानिब से मेहमानों की दस्तारबंदी भी की गई। 5-6 हजार लोग जो है ना आम रूटीन में यहाँ पे आते हैं। इस सिलसिले में हमारे आज हमारे लिए ईद का दिन है। हमारे इलाके के लोगों में कैमरामैन रिपोर्टर इफ्तिहार चांद लाइव न्यूज लाहौर। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ लाइफ न्यूज रहीम यार खान के तमाम इदारों के मुलाजमीन की मुश्तरका रैली के शुरुआत मुलाजमीन के हकूक और तनख्वाहें न मिलने पर बहुत रंज दुख का इजहार करते हुए हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर मुलाजमीन की तनख्वाहें ना दी गई तो हम तमाम मुलाजमीन मिलकर वजीर आला पंजाब और वजीर आजम का मुआसरा करेंगे। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद बूटा शेख जायद अस्पताल के इमरान अरशद हसन महमूद आतिफ अजीज वकार खान न्याजी गुलाम साबिर और बहुत से दीगर मुलाजमीन ने भी शिरकत की। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ लाइफ न्यूज राणा इरशाद अहमद रहीम यार खान। बिम्बर बरनाला का एक और सपूत मुल्क की सलामती और दफा वतन पर जामे शहादत नोश कर गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए मादे वतन पर मलोट का रिहायशी अब्दुल गफार बहादुर सपूत मुल्क पर कुर्बान हो गया। वजीरस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिपाही अब्दुल गफार शहीद हो गए। 27 साल अब्दुल गफार का तलक जिला बिम्बर के गांव मलोट से था। वाना में दहशतगर्दों को टिकाने की तलाश पर स्कोटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में अब्दुल गफार शहीद हो गए। शहीद की पस्तमगान में बूढ़ी माँ और एक छोटा भाई एक बहन शामिल है। शहीद अब्दुल गफार की नमाज जनाजा बाई गांव मठवाला में अदा की गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ अबाई कब्रस्तान में सुपुर्द हाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चुबन दस्ते की सलामी कब्र पर गाढ़ा फंड पेश किया गया। फौज पाकिस्तान की जानब से कब्र पर फूलों की चादर और कब्र पर फूक कौमी परचम भी सरबलंद कर दिया गया। मठवाला गांव में अवामी इलाका का शहीद की नमाज जनाजा में हजूम मंडाया। नमाज जनाजा में मसला फौज पाकिस्तान के अफिसरों व फौजी जवानों इंतजामी अफिसरों रियासी मीडिया और मुख्तलिफ मकता फिक्र की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट जाहिद हुसैन राजा लाइव न्यूज बिम्बर आजाद कश्मीर। बेला तारीख पेशी पर जाते दो हकीकी भाइयों को मुखालफ फरीक ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बेला मकतुलीन मुमताज और उमर हयात मोटरसाइकिल पर बलवाल अदालत पेशी पर जा रहे थे। बेला दौरे कत्ल की वारदात बेला मियानी रोड पर कस्बा हजूरपुर के करीब हुई। बेला मकतुलीन पर मुजमान के भाई हाफज सफदर के कत्ल के मुकदमा में मशवरे का इल्जाम है। बेला पुलिस ने मकतुलीन की लाशें कब्जा में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बेला दौरे कत्ल के मुल्जमान वारदात के बाद मौका से फरार हो गए। सैदपुर नतन शाह में जश्न विलादत बासआदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से कसर बतुल इमाम बारगाह से सैयद अरफान अली शाह काजमी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में मरकजी इमाम बारगाह सैयद नतन शाह के मतवली सैयद हसन शाह नथानी पाकिस्तान प्रेस क्लब के सदर सीनियर सहाफी फयाज जाफरी सैयद बाकर हुसैन सैयद शफकत काजमी सैयद सफदर अली लिखियारी सैयद अजार हुसैन सैयद दिलावर हुसैन सैयद मजर हुसैन सैयद कमील अब्बास फकीर अमानत अली रंजानी जवार मोहम्मद असलम गादी जवार अख्तियार जानवरी माजिद रंजानी जवार अतफाल हुसैन लगारी काशिफ जंगी जोग हाकम अराई रुस्तम जाफरी समेत अहले इस्लाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरुआत ने गाँव अली मोहम्मद कशारी तक मार्च किया। इस मौका पर लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद दी जबकि रैली में फजा दुरूद इस्लाम से मुअत्तर रही। रैली के इख्तिताम पर कसरे बतूल इमाम बारगाह में केक भी काटा गया जबकि मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गयी।